वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये सभी सवाल आपके सिलेबस के हैं और आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस क्विज टेस्ट को अंत तक ज़रूर खेलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1975 से। क्वेश्चन नंबर टू, यदि आप डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं तो आपको मेडिकल के समय एक कलर ब्लाइंड नामक टेस्ट होता है, अगर इसमें आप फेल होते हैं तो मेनली आपको कलर पहचानने में प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड टेस्ट होने वाले व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि जो उसमें फेल होते हैं, जिसको ये बीमारी होती है उन्हें फर्क करने की क्षमता नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कलर में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल एवं हरा। ओके, मेरे हुए थे तो मैंने पास कर लिया था। क्वेश्चन नंबर तीन, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई देश हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर फोर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमाशय रस। क्वेश्चन नंबर फाइव, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पौधे में जल का संवहन कौन करता है? ये सवाल आरपीएफ एग्जाम में पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजर। क्वेश्चन नंबर एट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नाइन, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुडकी। क्वेश्चन नंबर टेन, और लुडकी आईआईटी कॉलेज
आपके यूके में है, उत्तराखंड, देहरादून। तो हमने कल बताया था आईआईटी खड़गपुर में, जो कि माफ़ करिएगा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजोन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 13, यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाय। क्वेश्चन नंबर 15, फासीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 16, नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 17, चिकन पॉक्स किसके कारण से होता है? चिकन पॉक्स आमतौर के भाषा में इसे बोला जाता है चेचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बारदौली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ये देश कृषि प्रधान देश है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि को। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और चौड़ी ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है? अच्छे सवाल हैं, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 22, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी 1857 को। क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीज में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 4 आपके लिए एक सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए Q4U और इसका राइट आंसर। आप चाहे तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। और वीडियो अब तक लाइक कर दी है तो धन्यवाद, नहीं करे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।